जब हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स पढ़ते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स मतलब क्या? क्लोज चेन कंपाउंड्स मतलब क्या? क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है ना? ये स्टार्ट किससे होते हैं? तीन कार्बन से। कितने कार्बन से? तीन। यानी कि मैंने एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, ठीक है? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। अब इन दोनों के कितने बॉन्ड बन गए? दो। तो ये और कितने बनाएगा? दो। इसके कितने बन गए? दो। और कितने बनाएगा? दो। इसके कितने बन गए? दो। और कितने बनाएगा? दो। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लो। साइक्लो क्योंकि क्लोज चेन है, और क्योंकि तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोप। तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना? एक, दो, तीन, चार। कितने कार्बन है? चार। इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए और दो बनेंगे, इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए और दो बनेंगे, इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए और दो बनेंगे, इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए और दो बनेंगे। क्या हो जाएगा? साइक्लो, क्योंकि चार कार्बन है तो क्या कहेंगे इसे? ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई बोले साइक्लो पेंटेन बना के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना, पांच कार्बन बना देना, ठीक है ना? पेंटागन बन गया, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन क्या कर देना? अटैच कर देना, अच्छा ठीक है? तो ये क्या बन गया मेरा? साइक्लो पेंटेन। लेकिन फर्क है, क्या फर्क है? जब हम लोग नॉर्मली साइक्लो प्रोपेन बनाते थे, तो प्रोपेन होता था C3H8, लेकिन यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन होगा C3H6, ठीक है ना? वैसे ही अगर यहाँ देखें, तो जब हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बना देते, तो होता था C4H10, क्या होता था? C4H12, ये होगा C4H8, ये होता था C5H12, ये क्या होता है? C5H10, इज दैट क्लियर? ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बना के दिखाऊं? सबसे पहले हेक्सागन बनाएंगे, किससे? कार्बन से। जहां जहां हेक्सागन के वर्टाइसेस आएंगे, वहां क्या लगा देंगे? कार्बन। और हर कार्बन के देखो दो बॉन्ड तो बन गए चेन में, तो और हाइड्रोजन के साथ कितने बनेंगे? दो दो। तो ये हो जाएगा C6H12 साइक्लो हेक्सेन, ठीक है? इसके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स एग्जाम में बनाने के लिए आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर तुम्हें सीखना है वो है बेंजीन का। किसका? बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। बहुत सालों तक बहुत सारी रिसर्च चल रही थी, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है ना? तो केक्यूले एक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या करा? डिस्कवर करा। उसने बोला कि बेंजीन में जो छह कार्बन है, वो एक हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में लगे होंगे, और इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे। एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? तीन। देखो हर एक कार्बन के तीन तीन बॉन्ड बन गए, अब उसको सिर्फ एक बॉन्ड और बनाना है। इस तरीके से फॉर्मूला निकल कर आता है C6H6, ठीक है ना? अच्छा, तो क्या जरूरी है कि हर बार बॉन्ड्स ऐसे ही बने? तो मैंने बोला नहीं, हमें ऑल्टरनेट बॉन्ड बनाने हैं। मतलब अगर हम चाहें तो दो इधर, एक इधर, दो इधर, एक इधर, दो इधर, एक इधर, ऐसा भी बना सकते हैं। क्योंकि कैक्यूले का कहना था कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं? ये रोटेट होते रहते हैं, मतलब ये वाला यहाँ चला जाएगा, 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 और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है? बहुत सारे ऑथर्स इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी बनाते हैं। ये डॉटेड लाइंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या रहे? कभी इधर जा रहे हैं, 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 कहीं पर भी कभी भी चले जा रहे हैं। इज दैट क्लियर?
जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ हीटरो एटम्स. क्या बोलते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ हीटरो एटम्स. हीटरो एटम्स मतलब क्या होता है? एटम्स अदर दैन कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ हाइड्रोकार्बन. ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहली बात, ये हेटरो एटम्स है. हेटरो एटम्स मतलब क्या हुआ? एटम्स अदर देन एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. और ये क्या डिफाइन करेंगे? ये किसी भी कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे. आ रही है बात समझ में? ठीक है ना. अब बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग जो आज फंक्शनल ग्रुप उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं कौन सा? हैलोजन. कौन सा उठा रहे हैं? हैलोजन. कौन सा उठा रहे हैं? हैलोजन. ठीक है ना. अब हैलोजन से हम लोग क्या समझते हैं? तो हमारे पास वैसे तो चार हैलोजन होते हैं. कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन. और ब्रोमीन. ठीक है ना. क्लोरीन का सिंबल होता है F, क्लोरीन का Cl, आयोडीन का I और ब्रोमीन का Br. ठीक है ना. इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, फ्लोराइड, इसके लिए क्लोराइड, इसके लिए आयोडाइड और इसके लिए ओ सो सॉरी, ये तो सफिक्स होता है. इसके लिए प्रीफिक्स कौन से यूज होंगे? फ्लोरो, क्लोरो, आयडो, ब्रोन. सफिक्स तुम लोग को अभी तो काम नहीं आएंगे, लेकिन जस्ट इन केस अगर स्कूल में पढ़ाएं तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड, आयोडाइड, यहाँ पे आयोडाइड और ब्रोमाइड. यहाँ पर ब्रोमाइड. ठीक है, बोलो, कोई परेशानी? ठीक है. अब इनका क्या रोल रहता है? तो बहुत सिंपल सा रोल रखता है. पहले पेन रख दो और देखो इधर. जब तक हम लोग मीथेन पढ़ते थे तो मीथेन क्या होता था? CH4. मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता था? C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H. अब मैंने क्या करा? अब मैंने यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया. यहां से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया. और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? क्लोरीन. क्या लगा दिया? तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया CH3Cl. इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोमीथेन. क्या कहेंगे? क्लोरो मीथेन. क्लोरो क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्लोरीन है. और मीथेन क्यों? क्योंकि एक कार्बन है. आया समझ में? मानो इसके पहले अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इथेन पढ़ा था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सी सिंगल बॉन्ड सी, तीन हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनता था और तीन हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनता था. ठीक है ना. ऐसे में अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दें, क्या कर दें? एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दें और इसकी जगह हम लोग मानो ब्रोमीन लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? ब्रोमीन. ठीक है ना. तो ये क्या बन जाएगा? ब्रोमोइथेन. क्या बन जाएगा? ब्रोमोइथेन. क्या कहानी समझ में आ रही है? इजी. अब
अगर यहाँ हम लोग कितने कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन लेते हैं, यानी कि क्या लेते हैं, प्रोपेन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोपेन ठीक है, तो हो जाएगा CH3, CH2, CH2, और लेट्स से हमने क्या रख दिया, आयोडीन रख दिया, क्या रख दिया, आयोडीन, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोडो ब्रोमेन, क्या कहेंगे, आयोडो, सॉरी, और आयोडो प्रोपेन, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, एक कहानी और चल रही है इधर भी साथ, इसका फॉर्मूला क्या बना, CH3CL, इसका क्या बनेगा, CH3CH2Br, इसका क्या बना, CH3CH2CH2Al, CH3Cl, C2H5Br, C3H7Al, इन दोनों में देखेंगे तो CH2 का फर्क है, इन दोनों में देखेंगे तो CH2 का फर्क है, ठीक है, बोलो कोई परेशानी, C2H5 - CH3 करेंगे तो 5H में से 3H गए तो कितने बचेंगे, दो, और 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो कितना बचेगा, एक, तो कितने का गैप है, CH2 का, ठीक है, बोलो कोई परेशानी, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी ने कहा कि 10 वाला लिख डायरेक्टली, तो क्या 10 बनाने बैठेंगे, नहीं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x, मतलब क्या हुआ, जब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 × 1 +1, और x का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। सिमिलरली जब कार्बन कितना होगा, जब कार्बन 2 हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 1 = 5, और फिर एक्स तो कुछ भी लग जाएगा, जब कार्बन 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 1 दैट इज 6 + 1 = 7, रिकॉर्डिंग। चलो इधर देखो, 2 × 3 = 6 + 1 = 7, तो यहाँ पे क्या आया, C3H7, यानी कि अगर 10 कार्बन भी होते तो हम क्या लेते थे, C10H, 2 × 10 + 1, और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा देते, क्लियर है, तो ये क्या हो जाता, C10H21, आयोडो मतलब आयडो क्लोरो ब्रोमो जो भी लगाना हो, क्या इतनी कहानी क्लियर है, पहले इसको प्रायोरिटी पे पूरे को छाप लो।